एवरी वन वेलकम टू माई चैनल आई एम सिमरन सहानी आज आपको पढ़ाऊंगी क्लास ट्वेल्थ के इंग्लिश का चैप्टर द थर्ड लेवल इस चैप्टर के राइटर है जैक फिनी एंड इस चैप्टर में हम टाइम ट्रैवल चीज के बारे में पढ़ेंगे टाइम ट्रैवल एक बहुत ही एक्साइटिंग सा फिनोमिना है जिसको पढ़ने में हम सबको मजा आएगा ओके okay, तो इस चैप्टर में मेनली थ्री कैरेक्टर्स हैं चार्ली चार्ली की वाइफ लूजिया एंड सैम सैम कौन है जो चार्ली है हमारा मेन करेक्टर उसका साइकैट्रिस फ्रेंड है अब ये जो हमारा चैप्टर है ये न्यूयॉर्क के ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के बारे में बता रहा है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जो है वो एक सबसे बड़ा सबसे बिजी स्टेशन है पूरे वर्ल्ड का अगर आप यू के न्यूयॉर्क में देखो तो लोग हर समय बहुत ज़्यादा वर्क अहौलिक होते हैं हमेशा अपने कामों में लगे रहते हैं तो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में बहुत भीड़ रहती है और एक दिन जो हमारा ये चार्ली है उसको अपने घर जाने में जल्दी हो रही होती है गलती से वो थर्ड लेवल में पहुंच जाते हैं अब ये थर्ड लेवल क्या है देखो यूजुअली ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में सिर्फ दो ही लेवल है फर्स्ट लेवल एंड सेकेंड लेवल अब पता नहीं खासे हमारा चार्ली जो है वो थर्ड लेवल में एंटर कर जाता है और वहीं से हमारा टाइम ट्रैवल शुरू होता है तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर तो जैसे ही चैप्टर स्टार्ट होता है तो हमारा जो राइटर है वो बताता है या फिर जो चार्ली है अब ये चार्ली खुद अपनी स्टोरी बता रहा है चार्ली हमें बताता है कि न्यूयॉर्क के प्रेसिडेंट भी यही कहेंगे कि जो हमारा ग्रैंड सेंटर स्टेशन है उसके दो स्टैक्स हैं स्टैक्स लिखा है बुक के अंदर स्टेजेस लिखा है तो उसके दो लेवल हैं बट नहीं मैं कहूंगा कि देर आर थ्री लेवल्स तो यहाँ पे चार्ली ने खुलते साजा आपका चैप्टर क्या बताया गया है कि प्रेजिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क प्रेजिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल से दैट देर ओनली टू लेवल्स ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन बट मैं कहता हूँ कि उसने हाँ, तो 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 मुझे बताया ऐसा क्यों हो रहा है तो जैसे ही आपने पढ़ा कितने लेवल है दो है चार्ली कह रहे हैं थ्री है तो आपको लगा होगा पागल है चार्ली तो, तो चार्ली ने हमें खुद ही बता दिया कि नहीं मैं अपना दिमाग का चेकअप करवा चुका हूँ मेरे साइको ने मुझे क्या है कि ये वेकिंग ड्रीम विश फुलफ़िलमेंट है ये देखो साइकोलॉजिकली जो लोग बहुत ही ज़्यादा वर्कोहलिक हो गए हैं जो काम में बहुत ज़्यादा ही लग चुके होते हैं और एक टाइम पे वो अपनी लाइफ से परेशान हो जाते हैं कि हम सिर्फ काम करें काम करें काम करें तो दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ वेकिंग ड्रीम अब वो रात को सोते भी हैं तो भी बिल्कुल स्ट्रेस जोगे सोते हैं तो वो सुबह के समय चलते हुए अपनी जो ड्रीम्स हैं उनको फुलफिल करें यानी कि वो रियालिटीज़ ऑफ लाइफ से दूर जा रहे हैं जब तुम तो पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हो तो कुछ इमेजिन नहीं करने लगते ये वो चीज़ें तो वैसे ही ये चार्ली ने वो बहुत ज़्यादा बोझ हो गया उसके ऊपर अपने वर्क का रूस जो उसकी ऑफिस का काम होता है तो इसलिए वो रियालिटी से भाग रहा था उसने इमेजिन करा है, उसने वेकिंग ड्रीम करी है वेकिंग ड्रीम कर है है क्या कि कोई ऐसे जो था उसने कहा ठीक है उसने कहा साइकैट्रिस्ट फ्रेंड सैम ने क्या बोला कि तुम हैप्पी नहीं हो तुम इस अपनी लाइफ में ये ऑफिस से आने जाने वाली लाइफ में खुश नहीं हो यू आर इनसिक्योर ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड कौन नहीं मॉडर्न वर्ल्ड में इनसिक्योर होता है तो तुम्हें भी इस समय पे हर एक इंसान को ये होता है कि हमारी अच्छी जॉब लग जाए हम अच्छे से अपने घर खर का खर्चा चला लें एंड वी शुड हैव अ गुड लाइफ स्टाइल तो ऐसे ही मॉडर्न वर्ल्ड की इनसिक्योरिटी में तुम बह गए हो एंड यू आर टेकिंग अ लीप थ्रू योर इमेजिनेशन तुम दूर हो रहे हो इस सब प्रॉब्लम से बाई इमेजिनिंग अ थर्ड लेवल तुम एस्केप कर रहे हो रियलिटी से यानी कि तुम सच्चाई से दूर भाग रहे हो इसके बारे में सोच के और जो सैम है वो कहता है देखो तुम जो एक स्टैम्प कलेक्शन करते हो ना कई लोग देखा है अपने स्टैम्प कलेक्ट करते हैं जो एनवेलप्स पे पोस्ट कार्ड्स पे लग के आते हैं तो वो कह रहा है वो स्टैम्प कलेक्शन भी ना तुम्हारी एक हैबिट है जिससे तुम टेम्परेरी रेफ्यूजी पाते हो फ्रॉम रियलिटी टेम्परेरी रेफ्यूजी फ्रॉम रियलिटी मतलब कि तुम सच्चाई से दूर होना चाहते हो अब तुम्हारे ऊपर इतना प्रेशर है कि तुम्हें बोर्ड के एग्जाम्स के लिए पढ़ना ही करना हो करना कभी कभी तुम बिल्कुल ही साइड हो जाते हो ना नहीं सोचते उसके बारे में कुछ और करने लगते हो तो वैसे ही सैम ने बोला चार्ली को कि ये तुम्हारी जो स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है ना ये भी इसलिए कि तुम बहुत परेशान हो तो मैं इतना ज़्यादा काम करना पड़ता है पूरा दिन तो तुम टेम्परेरी रिफ्यूजी सीख करते हो इन एक्टिविटीज़ में कभी तुम थर्ड लेवल सोचते हो कभी तुम स्टैम्प कलेक्शन करते हो बट जो हमारा चार्ली है जो मेन करेक्टर है वो अग्री नहीं करता अपने एक्ट्रेस के साथ वो कहता है मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे बट वो अपनी लाइफ में बहुत खुश थे उस जमाने में तो कोई डिप्रेशन कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ होती ही नहीं थी तो उनको क्या जरूरत है स्टैम्प कलेक्शन करने की वो तो रियालिटी में रहना पसंद करते थे सेकेंडली ही सेट दैट जो प्रेजेंट रूजवेल्ट है प्रेजेंट रूज ल जिन्होंने वर्ल्ड वॉर में अमेरिका को जितवाया था तो ही सेड उनके जैसे आदमी जिसका दिमाग इतना चलता है वो क्यों रियलिटी से भागना चाहेगा वो भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे तो वो सैम की इस बात को गलत मानता है कि जो स्टैम्प कलेक्शन की हैबिट है जो हॉबी है ये रियलिटी से दूर भागने के लिए होती है ये सेट मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे प्रेजेंट रूज भी करते थे मैं भी करता हूँ हमको रियालिटी से नहीं भाग रहे अब चार्ली मेन पॉइंट पर आता है वो हमें बताता है कि वॉट हैपन एट द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन की कैसे वो एक दिन थर्ड लेवल पर पहुंच गया लेट स्टडी वन नाइट लास्ट समर पिछले समर की बात है एक रात को मुझे अपटाउन जाना था अपने अपार्टमेंट में अपटाउन जगह है जैसे होता है न्यूयॉर्क में अपटाउन डाउनटाउन बने होते हैं और ब्लॉक्स की दूरी पे स्ट्रीट्स होती है तो ये सेट मुझे अपटाउन जाना था अपार्टमेंट में मुझे जल्दी हो रही थी मुझे जाके अपनी वाइफ लूजिया से मिलना था ठीक है तो मैं बहुत जल्दी थी और मैंने सब ले, ले लिया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का सब क्यों लिया जाता है जैम को अवॉइड करने के लिए सब उसने ले लिया कि जल्दी से वो अपने घर पहुँच जाए ही सेट अब चार्ली अपना इंट्रोडक्शन देता आई एम एन ऑर्डिनरी गाय मैं एक सिंपल सा आदमी हूँ मेरा नाम चार्ली है मैं थर्टी वन का हूँ एग्जाम में हंड्रेड आपको ये क्वेश्चन आएगा सो रिमेंबर इट मैं थर्टी वन ईयर्स का हूं एंड ही सेट मैंने एक टैन गारबर सूट पहना है गारबडाइन सूट पुराने जमाने में लोग पहनते थे तो ये सैन मैंने गारबाइन सूट पहना है स्ट्रॉ हैट पहनी है बुक में फ़ोटो बनिए आप देख सकते हो और मैंने अपनी हैट के ऊपर एक फैंसी सा बैंड लगा रखा है तो यहाँ पे हमें ये एग्जाम में क्वेश्चन में ज़रूर आएगा वॉट वॉज द आपके लिखने को आएगा कि उसकी अपेयरेंस बताओ चार्ली की तो आपको ये जो मैंने रेड से लिखा है इसको मैंशन करना होगा नाउ ही सेट आई एंटर्ड एट द ग्रैंड ग्रेंट्रल स्टेशन मैं ग्रांड सेंट्रल स्टेशन में एंटर करा सबसे पहले मैं फर्स्ट लेवल पे पहुंचा वहाँ पे ट्रेन चल रही थी बट जो फर्स्ट लेवल की ट्रेन होती है उसकी वो छूट जाती है फिर वो वहाँ से जाता है सेकेंड लेवल पे सेकेंड लेवल पे कौन सी ट्रेन चलती है सब अर्बन एरियाज की सब अर्बन एरियाज कौन से होते हैं जो पास ही में इलाके बने होते हैं ना वो होते हैं सब अर्बन एरिया जो तो न्यूयॉर्क के पास में जितने भी इलाके हैं जहाँ से ट्रेन जाती है लोग सुबह ऑफिस से वहाँ पर अपना काम करने जाते हैं रात को वापस चल जाते हैं तो वो होते हैं सब तो वहाँ से सब एरिया की सेकेंड लेवल से ट्रेन चलती है दिस कुड कम इन योर वन तो वहाँ पे भी उसको हो सकता है अपनी ट्रेन नहीं मिली हो सब अब वनियर वाली ट्रेन में भी सेकंड लेवल पे तो वो कहता है आई डक्ट इनटू अ आग्ड डोरवे यहाँ पे डक्ट मतलब क्या है कि एकदम से एक ऐसा नीचा सा डोरवे आता है यू बना हुआ और मैं अपना सर नीचे करके उसके अंदर घुसा ठीक है वो लॉस्ट हो जाता है खो जाता है वो तो उस समय पे हमें चार्ली बताता है ऐसा मेरे साथ पहली बार नहीं हुआ है कि मैं खो गया हूँ. मैं हमेशा ही ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे नए नए डोरवे और नए नए कॉरिडोर में घूमता रहता हूँ डोरवे मतलब दरवाजे और कॉरिडोर आपने देखा आपके स्कूल में कॉरिडोर होता है इतना लंबा सा दलिया है इधर क्लास इधर क्लास इधर क्लास इधर, क्लास, इधर क्लास। तो वैसे ही कह रहा है वो कि मैं डोरवे कॉरिडोर और स्टेर केसेस में ग्रांड सेंट्रल स्टेशन के हमेशा ही खोता रहता हूँ उसने अपना बताया। एक बार मैं एंड होता है दूसरे एंड होता है मैं घुस तो गया उस टनल में और निकला रूजोवेल्ट होटल की लॉबी में तो देखो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन कितना फैला हुआ है यहाँ हमें उसने बताया सेकेंडली दिन मैं किसी और टनल में घुस गया था तब मैं निकला फोर्टी सिक्स स्ट्रीट पर फोर्टी सिक्स स्ट्रीट जहाँ से उसने एंटर करा था उससे थ्री ब्लॉक्स अभी काफ़ी दूर था तो ही सेट कि मेरे को ना ऐसा लगता है ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक बड़ा सा ट्री है जैसे ट्री अपनी रूट्स लगाता है ना नीचे फैलाता रहता है वैसे ही ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ना ये अपने स्टेयर और डोरवेज और कॉरिडोर्स बनाता रहता है और एक दिन ऐसा आएगा जब ये टाइम स्क्वायर न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर आपने देखा है वहाँ एल ई स्क्रीनस लगी होती हैं पूरे में वहां तक अपना एक टनल ले जाएगा और एक न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क तक टनल ले जाएगा तो देखो यहाँ पे हमें चार्ली की इमेजिनेशन दिख रही है कि जब वो लॉस्ट हो गया तो उसने ये सोचा कि ग्रैंड स्टेशन जो हैगा वो एक ट्री है और वो अपने टनल्स और डोरवेज निकाल के अलग अलग जो मेन प्लेसेस न्यूयॉर्क की वहां तक पहुँचा देगा तो यहाँ पे उसने हमें यह भी बताया कि मैंने अपनी इस इमेजिनेशन के बारे में अपने साइक एक्ट्रेस फ्रेंड सैम को नहीं बताया कि कहीं वो मुझे पागल ना समझे। अब ही से जिस डोरवे में वो एंटर करा था ना आग डोरवे जिसमें वो ऐसे करके एंटर करा था वो लेफ्ट की तरफ मुड़ने लग गया और नीचे की तरफ डाउनवर्ड यानी कि स्लांटिंग डाउन जैसे उतराई होती है ना पहाड़ की वैसे होने लग गया और वो उस कॉरिडोर में एंटर करा जैसे ही वो कॉरिडोर में एंटर करा उसको सिर्फ और सिर्फ अपने फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे आसपास में उसे जब वो टनल में से ऐसे चल के जा रहा था तो उसे सिर्फ और सिर्फ अपने फुटस्टेप सुनाई दे रहे थे और कोई आवाज़ उसको सुनाई नहीं देती बिल्कुल खाली टनल था वो अब टनल से जब वो बाहर निकला तो ही केम टू अ स्टेशन एक लेवल पर वो पहुँचा पहले उसे लगता है कि वो सेकेंड लेवल पर पहुँचा बट नहीं वो कौन से लेवल पर पहुँच गया था थर्ड लेवल पर वो पहुँच गया था तो एग्जाम में आ सकता है कि पहले चार्ली को क्या लगा था वो कहाँ पहुँचाए उसे लगता है वो सेकेंड लेवल पे ही पहुँच गया बट नहीं एग्जैक्टली exactly वो कहाँ पहुँचा था थर्ड लेवल पे, जैसे ही वो वहाँ एंटर करा ही सॉ दैट जो रूम थे वो काफ़ी छोटे छोटे थे फ्यू टिकट्स विंडो थी अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पे इतने सारे लोग आते हैं तो टिकट विंडो बहुत ज़्यादा होती है बट ये जो थर्ड लेवल का स्टेशन था यहाँ पे टिकट विंडो बहुत कम थी ट्रेन गेट्स भी बहुत कम थे यानी कि कम ट्रेन्स थी वहाँ पे और जो इन्फॉर्मेशन बूथ था जहाँ से लोग जाके पूछते हैं कि गाड़ी कब आएगी कब आएगी ट्रेन कब आएगी वो अभी ओल्ड था और वुड का बना हुआ था तो अब तो वुड के नहीं बने होते तो उस समय पे चार्विक को चार्ली को लगता है कि मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ फिर चार्ली देखता है उसके पास में जो मैन होता है जो बूथ के अंदर खड़ा होता उसने ग्रीन कलर का आई शेड यानी चश्मा लगा रखा था उसके लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर जो उसकी कोट थी वो उसकी लॉन्ग लॉन्ग ब्लैक स्लीव्स थी एंड यहाँ वो बता रहा है चार्ली कि वहाँ पे थर्ड लेवल पे सिनेरियो बहुत अलग था तो ये फुल ऑन आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन करने को थर्ड लेवल का सिनेरियो तो इन्फॉर्मेशन बूथ ओल्ड था वुड का और एक आदमी ने ग्रीन चश्मा लगा रखा था एंड ही सॉ दैट वहाँ पे जो लाइट्स थी जैसे स्ट्रीट लाइट्स होती है ना वैसे वहाँ लाइट्स जो लगी हुई थी वो फ्लिक कर ऐसे ऐसे हिल रही थी जब उसने पास जाके देखा तो उसे पता चला वो गैस लाइट है पहले ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं होती थी तो क्या होती थी गैस लाइट लगी होती थी नीचे से गैस जाती थी और वो गैस से लाइट जलती थी तो अब शार्ली को बिल्कुल ही यकीन हो जाता है कि मैं किसी और जमाने में आ गया हूँ ही सौ ब्रास पिटॉन्स ब्रास के ऐसे बड़े बड़े बर्तन रखे होते थे स्पिट करने के लिए लोग जो भी पान तम्बाकू जो कुछ भी खाते हैं उसमें स्पिट करने के लिए रखे होते थे और उसी समय उसकी आँख में एक चमक आती है क्या चमक आती है एक आदमी अपनी जेब में से गोल्ड वॉच निकालता है और वो एटीज और नाइन्टीज की तरह ड्रेसअप हो रखा होता है यानी कि उसने एटीज

तो ऐसे ही चार्ली भी गए कि ये जमाना मेरा वाला नहीं है देन उसकी नजर पड़ी आपकी बुक में लिखा है ये करियर एंड Eyes लोकोमोटिव ये कुछ नहीं है ये ट्रेन है जो ट्रेन उस स्टेशन के ऊपर खड़ी हुई थी वो करियर एंड Eyes की ट्रेन थी एंड दे व फनल शेप जो उनका इंजन था वो आपने देखा है वो थॉमस देखिए थॉमस ट्रेन एक कार्टून आता था वैसी वाली वो ट्रेनस होती हैंगी एक ऐसा फनल शेप्ड का उनका इंजन होता है ऊपर से धुआं निकलता है तो ट्रेन पुराने ज़माने की थी आप चार्ली को और ज़्यादा यकीन हो गया कि भैया कुछ तो गड़बड़ है तो करियर एंड आयुष लोकोमोटिव दे आर नेम ऑफ द ट्रेन आप एक तरीके से कह सकते जो ट्रेन की कंपनी थी जो ट्रेन बनाती थी और उनकी स्पेशलिटी क्या थी कि फनल शेप्ड का उनका ट्रेन का जो इंजन होता था वो होता था उसने अपने आप को श्योर करने के लिए कि भाई मैंने टाइम ट्रैवल कर लिया है ये श्योर करने के लिए वो गया न्यूज़पेपर देखने के लिए न्यूज़पेपर कौन सा था द वर्ल्ड जो अब छपना बंद हो चुका था और उसके ऊपर डेट क्या थी 11 जून 1980 1894 सॉरी 11 जून 1894 डेट गिवन थी उस पर और उसमें प्रेजिडेंट क्लीवलैंड की के ऊपर ख़बर लिखी होती तो यहाँ पे आपको एग्जाम क्वेश्चन आ सकता है कि न्यूज़पेपर में किसके ऊपर न्यूज़ लिखी हुई थी प्रेजेंट क्लीवलैंड एंड कप की बात है ये 11 जून 1894 की तो यहाँ पे चार्ली बहुत ही ज़्यादा हैरान होता है कि मैं थर्ड लेवल पे पहुँच गया हूँ और अंदर से वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और अभी भी देखो इस समय पर चार्ली का दिमाग बिल्कुल एक्टिव है चाली थर्ड लेवल पे एंटर करके अब ये सोचता है कि क्यों ना मैं यहाँ से दो टिकट्स ले लूँ एक अपनी और एक अपनी वाइफ़ की और हम यूनाइटेड स्टेट्स की किसी भी जगह पे जाके सेटल हो जाएंगे देखो चाली का माइंड चल रहा है अगर आप इमेजिनेशन में हो अगर आप सो रहे हो तो इतनी ज़्यादा जो आप कह सकते हो लॉजिकल थिंकिंग कोई नहीं कर सकता बट चाल्ली ने क्या सोचा कि यहाँ पर मैं टिकट ले लेता हूँ कल अपनी वाइफ के साथ यहाँगा और हम इसी ज़माने में यानी कि एटीन में ही रहना शुरू कर देंगे बिकॉज जिस सेंचुरी में अब ट्वेंटी सेंचुरी में हमारा चार्ली रह रहा है वो अपनी उस लाइफ से परेशान है वो बिज़ी हम डम लाइफ से यानी कि काम ऑफिस वर्क हॉलिक लाइफ से परेशान हो चुका है और अब उसको इस एरा के अंदर रहना था एटीन के एरा में तो ही मेड अ प्लान दैट अब मैं जाके दो टिकट खरीद लेता हूँ एंड मैं अपनी वाइफ के साथ आके इसी एरा के अंदर यहीं थर्ड लेवल से किसी भी कंट्री पे जाके किसी भी सिटी में जाके सेटल हो जाऊंगा तो लेट्स सी तरफ जाता है और वो सोचता है कि मैं टिकट लूंगा गैलेसबर्ग एलियस की गैलेसबर्ग एक बहुत बड़ा टाउन था जिसके अंदर बड़े बड़े हाउस होते थे बिग ओल्ड हाउसेस ह्यूज फार्म वाला एक वो बहुत ही सुंदर सा टाउन था जहाँ पे शाम को गर्मियों में शाम को लोग बाहर बैठते थे जो मैन होते थे वो सिगार स्मोक करते जो वुमेन होती थी वो पाम लीव से फैन बनाती थी तो एग्जाम में हंड्रेड परसेंट पे क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द दिन ऑफ द तो आपको ये वन या टू मार्कर्स में आ सकता है चार्ली अब टिकट विंडो पे जाता है जैसे ही वो विंडो पे जाता है तो जो क्लर्क है उसको घूरता है क्योंकि उसके जो फैंसी सा हेडबैंड होता है क्लर्क उसको देखता है उसको वो अलग सा लगता है अब चार्ली सोचता है मैं दो कोच की टिकट लूंगा मेरे पे बहुत पैसे हैं जिससे कि मैं और जो लूजर है वो गैलिस बग तक पहुंच जाए हम अपने पैसे निकालते हैं तो क्लर्क नॉडेड एट द बिल्स क्लर्क जो है वो बिल्स मतलब नोट जो नोट होते हैं उनको क्लर्क देखता है ही सेट डैट इंट मनी ये पैसा नहीं है इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी यू वॉन्ट गो फार क्लर्क बोलता है अगर मेरा पागल बनाने की कोशिश कर रहे हो तो, तो तुम ज्यादा आगे तक नहीं जा पाओगे तो दैट मीन्स यहां पे जो नोट चार्ली ने निकाले थे वो उस इरा के अंदर 1894 में नहीं चलते एज यू नो दैट पुराने जमाने में अलग नोट होते तो तो वैसे ही चार्ली समझ जाता है कि मेरा ये पैसा यहाँ पे नहीं चलेगा तो वो जल्दी से वहां से भागने की कहता है ही सेट आई टर्नड अवे क्योंकि मुझे जेल में नहीं रहना था इवन इन द एटीन ही सेट जेल में मुझे रहने का शौक नहीं था तो वो वहां से भाग जाता है अब नेक्स्ट डे हो जाता है और चाली जाता है बैंक के अंदर बैंक से जाके वो तीन सौ डॉलर निकलवाता है और क्योंकि

थर्ड लेवल का जो स्टेशन था वो कभी मिला ही नहीं वो रोज ढूंढता था उस स्टेशन को उसके पास पैसे भी थे अपने पुराने वाले बिल्स बट वो स्टेशन उसे कभी मिला ही नहीं वो निराश हो जाता है और अपनी वाइफ को भी बताता है और अब उसकी वाइफ ने मना कर दिया उसको थर्ड लेवल को ढूंढने से ही सेड आई वॉज वेरी सैड और अब मैंने अपनी स्टैम्प कलेक्शन हॉबी करनी दोबारा स्टार्ट कर दी क्योंकि थर्ड लेवल उसे कभी मिला ही नहीं तो उसने अब फिर से स्टैम्प कलेक्शन ही सेड वन डे मुझे प्रूफ मिला कि थर्ड लेवल है और अब मैं और मेरी वाइफ दोनों ही हर समय हर वीक

एक खाली पेपर के ऊपर स्टैंप को लगा के खुद को ही मेल कर देते जिससे कि उस डेट के साथ वो उनके पास आ जाए अब वो फर्स्ट डे कवर जैसे ही उठाता है वो उसके लिए नहीं होता है वो उसके ग्रैंड के लिए होता है जो उसके ग्रैंड के गैलेसबर्ग वाले घर पर आया हुआ होता है ही ये जुलाई नाइनटी फोर उस पर डेट लिखी होती है उस पर जो स्टैंप लगा होता है वो सेंट्स का होता है डल ब्राउन कलर का उस पर प्रेजिडेंट गैरीफील्ड की पिक्चर लगी होती है तो जैसे ही वो उस फर्स्ट डे कवर को खोलता है तो उसके अंदर एक नोट होता है यूजुअली जो फर्स्ट डे कवर होता है उसमें ब्लैंक पेपर होता है बट इसमें नोट था अब वो नोट पढ़ के ही हमें प्रूफ मिलता है कि येस थर्ड लेवल जो है वो एग्जिस्ट करता है नोट लिखा गया होता है चार्ली के लिए किसने लिखा होता है सैम ने लिखा होता है, है। वही साइकिल जो कुछ समय पहले गायब हो गया था ही सेड हाई चार्ली आई फाउंड द थर्ड लेवल मेरे को थर्ड लेवल मिल गया है मैं दो हफ्तों से यहीं पर हूँ कहाँ पर गैले के अंदर हूँ और मैं बहुत इंजॉय कर रहा हूँ यहाँ पर यहाँ पर मैं लोगों को अपने पे इनवाइट करता हूँ हम शाम को सॉन्ग्स गाते हैं सॉन्ग लिखा है वहां पे एक सिंग नेली होम लोग मेरे यहाँ लेमन इट पीने आते हैं और मैं बहुत अच्छे से मैं गैलिसबर्ग में सेटल हो गया और तुम और लूजिया भी थर्ड लेवल को ढूंढना मत छोड़ो इट्स वर्थ इट तो उस लेटर में यह लिखा होता है कि सैम ने बोला है कि थर्ड लेवल उसको मिल गया था वो गैलिसबर्ग में जाके सेटल हो गया है और चाली को बोलता है कि तुम भी थर्ड लेवल को ढूंढना बंद मत करना और लूजिया के साथ यहाँ पे आ जाना नेक्स्ट डे चाली बताता है कि मैं कॉइन स्टोर जाता हूँ पता करने के लिए और वहाँ पे उसे यह पता चला है कि कुछ समय पहले ही सैम ने भी 800 हंड्रेड डॉलर के ओल्ड स्टाइल नोट्स लिए थे जैसे चाली ने लिए थे ना बैंक से जाके 300 डॉलर के 200 नोट वैसे ही सैम ने भी 800 हंड्रेड डॉलर के ओल्ड स्टाइल नोट लिए थे एंड सैम ने अब पुराने जमाने में गैलेसबर्ग में जाके अपना एग्रीकल्चर है एंड ग्रेन बिजनेस स्टार्ट कर दिया है अब उसने एग्रीकल्चर बिजनेस क्यों स्टार्ट करा क्योंकि देखो ही वॉज साइकेट्रिस्ट सैम साइक था और उस ओल्ड एरा में एटीन नाइन्टी में किसी को भी साइक्रिस की ज़रूरत नहीं होती थी लोग वहाँ स्ट्रेस फ्री होते थे तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है दैट थर्ड लेवल से ट्रेन लेके सैम तो पहुँच गया है गैदिसबर्ग में अभी चार्ली एंड जो उसकी वाइफ है उसको पहुँचना बाकी है तो नाउ दिस इज अप टू यू कि तुम तो इस स्टोरी को सच मानो या एक बिल्कुल ही साइकोलॉजिकल डिजीज़ मानो चार्ली की कि चार्ली खुद ही इमेजिन कर रहा था थर्ड लेवल चार्ली का इमेजिनरी फ्रेंड है सैम और ये सब कुछ चार्ली ने खुद ही करा है तो इट्स अप टू यू कि आप लोग क्या मानोगे यहां पे जो हमारा राइटर है उसने स्टोरी को एंड कर दिया है तो आई एम ऑल्सो एंडिंग दिस चैप्टर अगर आपको इस चैप्टर के बाकी किसी भी चैप्टर के नोट्स समरी हैंड रिटन टाइट फॉर्म में क्वेश्चन आंसर्स चाहिए रेफरेंट टू द कॉन्टेक्स्ट चाहिए कुछ भी आपको स्टडी मटेरियल चाहिए इंग्लिश का तो आपको इंस्टाग्राम आईडी का लिंक दिख रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है स्क्रीन पर भी है यू कैन गो एंड टिकट फ्रॉम माई इंस्टाग्राम आई